বিএস করিমে আপনাদেরকে রাখি আছে মাননীয় বায়ের জিতে অনুরোধ হয় अनुप्रिया पटेल जी से कि आए और अपने विचार हम लोगों के सामने रखे। कुछ दिन पहले इससे बड़ी रैली आपने संबोधित किया है, आज उससे बड़ी रैली माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने हम लोगों की विधानसभा में संबोधित करें। अनुप्रिया पटेल अपने आदल, अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी। अखंड राष्ट्र के शिल्पी, भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, संविधान रचयिता बाबा साहेब अम्बेडकर, शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फूले, राष्ट्रवादी चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं अपना दल के संस्थापक पिछड़ों दलितों कमेरों के मसीहा यशाकाई बोधिसत्व डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज सोराओं की धरती पर आयोजित अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी डॉक्टर जमुना सरोज जी के समर्थन में आयोजित इस चुनावी सभा के मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री अमित शाह जी, उनके साथ इस मंच पर मौजूद भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष एवं इस क्षेत्र के यशस्वी सांसद आदरणीय बड़े भाई श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, मंच पर उपस्थित भाई जवाहरलाल पटेल जी, डॉक्टर के सिंह जी, डॉक्टर राजेश सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता भाई सुरेन्द्र चौधरी जी, हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के सम्मानित साथियों, आज मैं आप सबका इस मंच पर बहुत बहुत अभिवादन करती हूं। आज हम सब के लिए बहुत सौभाग्य का दिन है क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा आदरणीय श्री अमित शाह जी स्वयं दोनों दलों के संयुक्त प्रत्याशी डॉक्टर जमुना प्रसाद जी के लिए अपील करने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए हम सबके बीच अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से समय निकाल कर आए हैं। साथियों, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि हाथ सब करतल ध्वनि से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। पूरा अपना दल परिवार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और माननीय प्रदेश अध्यक्ष भाजपा का बहुत बहुत आभारी है और आपकी उपस्थिति से आज हम सभी का मनोबल बढ़ा है और इस क्षेत्र के अंदर जो एक भ्रम की स्थिति थी उसको भी आपने अपनी उपस्थिति से आज खत्म किया है। और मैं अपने भाई सुरेन्द्र चौधरी जी को भी इस मंच से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप अपना भाई समझकर डॉक्टर जमुना सरोज जी के साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं और हमारे बड़े भाई केशव मौर्य जी का भी आशीर्वाद आज डॉक्टर जमुना सरोज जी को मिल रहा है। और मुझे लगता है कि जैसे पूरे उत्तर प्रदेश में हम सभी लोग हर सीट पर अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हैं वो आपसी समन्वय और सामंजस्य को कायम करके बहुत ही मजबूती से हर सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा ये आपसी सामंजस्य ही है जिसके कारण आज हम हर सीट पर विपक्षी दलों को पछाड़ चुके हैं। और 11 मार्च को जब नतीजे आएंगे साथियों तो अपना दल और भारतीय जनता पार्टी का एनडीए की जीत का डंका हर सीट पर बजने जा रहा है। मैं आपके बीच आती रहती हूँ, अभी 2-3 दिन पहले ही आई थी और अपनी बात मैंने विस्तार से रखी थी। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का समय बहुत अमूल्य है इसलिए मैं ज्यादा समय न लेते हुए पुनः उनका अभिनंदन करते हुए, उनका आभार व्यक्त करते हुए मैं बहुत बहुत आप सभी को भी धन्यवाद देती हूँ। नमो बुद्धाय, जय अपना दल, जय भारतीय जनता पार्टी, जय हिंद।